जय माता दी। कमर दर्द या जोड़ों का दर्द, बैक में स्ट्रेन आ जाना, खास करके L4, L5, S1 जो कमर के जॉइंट होते हैं वहाँ पे जो ये नस दब जाते हैं, कई बार ये ऐसी समस्या लोगों को आती है जिसके वजह से लोगों को कमर से लेके पैर तक, जोड़ों तक जबरदस्त स्ट्रेन और पेन आता है। यही नहीं, कई लोगों को देखा गया है कि नीचे का हिस्सा अपाहिज भी हो जाता है, वे चल फिर नहीं पाते, उनको बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के बारे में, आइए जानते हैं। देखिए, शरीर के सभी जोड़ या कमर के नीचे के हिस्से की जवाबदारी शनिदेव के पास होती है। जी हाँ, मतलब कमर के निचले हिस्से की जो समस्या होती है जॉइंट से रिलेटेड या नसों से संबंधित, उसमें शनि और मंगल का विशेष रोल है, और खास करके शनि का। जब भी कुंडली में शनिदेव की स्थिति सही नहीं होती है, अब सही नहीं होती है का मतलब यह हुआ, जैसे अब ये कुंडली है, समझो शनि यहाँ पे नीच का होकर बैठ जाए, शनि नीच का कहाँ पे होता है, एक नंबर में, या फिर शनि की माप दृष्टि छठे आठवें भाव पे बहुत ही विस्तार रूप से पड़ती हो और वहाँ पे कोई पाप ग्रह हो, या फिर शनि खुद राहु या केतु के साथ दृषित हो, या फिर शनि की युति ऐसी बनती हो कि वो खुद 6, 8, 12 में बैठे हो, ऐसे विभिन्न परिस्थितियों में शनि यहाँ पे ठीक नहीं होंगे, मतलब मंगलकारी नहीं होंगे, नुकसानदायक होंगे, या शनि मंगल की युति हो जाए क्योंकि मंगल भी पाप ग्रह है। तो ऐसे केस में जब शनि सही नहीं हो, तब जातक के जीवन में जब भी शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब उन्हें तकलीफ होगी। यही नहीं, गोचर में भी शनि अगर 4, 8, 12, 1, 2 इनमें से कहीं भी होगा तो व्यक्ति पीड़ित होगा। अब मैंने 4, 8, 12, 1, 2 क्यों कहा है, देखिए, एक नंबर मतलब लग्न, लग्न मतलब तन का कारक है, दिक्कत देगा। 2 मतलब धनवानी कुटुंब, लेकिन वहाँ से सातवीं दृष्टि सीधा कहाँ जा रही है, अष्टम भाव पे, ठीक है। उसके बाद 4 यहाँ पे लिखा हुआ, वहाँ से तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है, शत्रु रोग ऋण, ठीक है। उसके बाद 8 अष्टम भाव में आता, दिक्कत देना ही देना है। और द्वादश भाव में वहाँ से भी सप्तम दृष्टि कहाँ जा रही है, शत्रु रोग ऋण। शनि की 3 दृष्टि है, 3, 7, 10, लेकिन उसमें सबसे घातक दृष्टि मानी जाती है 3री दृष्टि और सप्तम दृष्टि को, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो जब भी शनि देव आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं, या मार्केश है, या विपरीत परिणाम दे रहे हैं, उस केस में शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर पे जैसे ही प्रभाव पड़ेगा आपको, तब कमर के निचले हिस्से में दिक्कत बनेगी ही बनेगी। ऐसे केस में आप अगर शनि का उपाय करते हैं, शनि से संबंधित उपाय अगर अपनाते हैं, तो आपको जीवन में रिजल्ट आएगा, इसमें कोई शक और संशय नहीं। तो जिसको भी कमर के निचले हिस्से में दिक्कत है या कमर में बैक पेन का बहुत प्रॉब्लम है, कमर की नस दबने की प्रॉब्लम है, वो आप शनि का उपाय कीजिए, लेकिन पहले अपनी कुंडली की विवेचना कराए, समझ ले कि शनि को दिक्कत कहाँ बन रही है, फिर आप उपाय कराए ताकि आपको इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो यह है कमर और जोड़ों के दर्द की एस्ट्रोलॉजी। जय माता दी।